इस 21 चैप्टर के वीडियो सीरीज में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक कंप्लीट गाने के प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। एक गाना कहाँ से आता है, कैसे शुरू होता है एक गाना, एक ब्लैंक सेशन पे आप अपने आइडियाज कैसे निकाल सकते हैं, बेसिक कॉर्ड्स क्या होते हैं, एडवांस कॉर्ड्स क्या होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रो ग्रेड मिक्सिंग क्या होती है, मास्टरिंग क्या होती है, और कैसे ओवरऑल आप एक गाने को तैयार कर सकते हैं जो रेडी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप डाल सकते हैं ताकि आप सबके साथ शेयर कर सकें। और सबसे बड़ी बात, मैं सारा कुछ आपको फ्री में बताने वाला हूँ। सिंस बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो कोई रियल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते ही नहीं है तो अपना गाना प्रोड्यूस कैसे करें, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस सीरीज के लिए मैं कोई रियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं सारा इन द बॉक्स करूंगा, यानी कि सारे साउंड्स मैं कंप्यूटर के अंदर ही बनाऊंगा, सारा प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन मैं कंप्यूटर के अंदर ही करूंगा, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा फ्री साउंड्स और फ्री VSTs का इस्तेमाल करूं। इसके अलावा मैं कोई एक्सपेंसिव या महंगे सामान का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपना 7 साल पुराना MacBook Pro यूज कर रहा हूं जो मैं इसके लिए भी यूज करूंगा, साथ में मैं एक पेयर ऑफ हेडफोन यूज करूंगा, दैट्स इट। नाउ इसके साथ एक और बात आ जाती है, वो है DAW की, यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन की, जिसे हम सरल भाषा में सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आप एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, जो बिल्कुल सच नहीं है। मैं ये बात आपको श्योरली बता सकता हूँ कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, अगर आप तरीकों को फॉलो करें, तो आपको एक फ्री DAW में भी सिमिलर रिजल्ट्स आसानी से मिल सकते हैं। और एक आखिरी बात जो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने एटलीस्ट यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस या फिर ऐसे सीरीज इससे पहले नहीं देखा होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, उसके लिए यूनिवर्सिटीज, लोग, इंस्टीट्यूशंस पैसे लेते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस पूरे YouTube वीडियो ट्यूटोरियल्स के लेवल को बढ़ाने वाले हैं। See you soon.